विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या खेळाडूंचा सत्कार सध्या सुरू आहे. यावेळेला रणजी विजेते ठरलेल्या विदर्भ क्रिकेटच्या टीमचा सध्या सत्कार सुरू आहे. कप्तान फैज फैजल यांनी या पूर्ण सीझन मध्ये दमदार कामगिरी केली. विदर्भाच्या रणजीवीरांचा हा जाहीर सन्मान सुरू आहे. पहिल्यांदाच विदर्भानं रणजीचं अजिंक्यपद पटकावलंय. आयसीसीचे अध्यक्ष शशांक मनोहर या सन्मान सोहळ्याला उपस्थित आहेत. 58 का औसत दो मर्तबा आपने शतक जड़े हैं और खास करके सेमीफाइनल में आपने महत्वपूर्ण 81 रन की पारी खेली. मैं आपको कष्ट दूंगा, आप तालियों की गड़गड़ाहट को बरकरार रखेंगे. इसके बाद में दोस्तों संजय रामास्वामी लगातार अपनी लय को बरकरार रखा, कप्तान के साथ में पारी का आगाज किया. 14 पारियां 9 मुकाबलों की, 775 रन, 182 जो कि सर्वाधिक स्कोर था, 64.58 का औसत था, 3 शतक जड़े. और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि 95 के औसत से दोनों बल्लेबाजों ने, दोनों ओपनर्स ने बल्लेबाजी की है पूरे पूरे मुकाबले में. इसके बाद में हमारे पेशेवर क्रिकेटर वसीम जाफर 9 रणजी ट्रॉफी फाइनल खेले हैं और 9 रणजी ट्रॉफी में इन्होंने चैंपियन बनाया टीम को. ये नहीं खेले तो मुंबई नहीं जीती, ये इनकी विशेषता है, ये जहां भी होते हैं फाइनल ही खिलाते हैं. तेरह पारियां 9 मुकाबलों की, 595 रन, 158 नाबाद इनका हाईएस्ट स्कोर है, 54.09 का औसत से, और एक शतक इन्होंने जड़ा था. दोनों हाथ से गेंदबाजी करने वाले करिश्माई अक्षय वखरे मैं चाहूंगा. इसके बाद में अक्षय नाम में, लेकिन अक्षय वखरे एक ऐसा ऑफ स्पिनर है जिन्होंने 3 मर्तबा 5 से अधिक विकेट हासिल किए, 200 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं. प्रीतम गंदे 340, उमेश यादव 216 और अक्षय वखरे 200 विकेट. इसके बाद में अपूर्व वानखेड़े, होनहार बल्लेबाज, प्रतिभावान बल्लेबाज, तालियां हो जाए सबके तरफ से. 7 मुकाबलों की 10 पारियों में 296 रन, 107 हाईएस्ट स्कोर, 32.88 का औसत, 1 शतक और एक ऐसा कैच इन्होंने लपका था सेमीफाइनल में पॉइंट पर जो जीत के लिए निर्णायक साबित हुआ. इसके बाद में छोटे बबलू जी से मैं अनुरोध करूंगा, ललित यादव, सारे लोग ताली बजाएंगे, सारे लोग. ये होनहार प्रतिभा जो है भविष्य में उमेश यादव का विकल्प है, हालांकि अभी उमेश यादव बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. 7 मुकाबलों की 12 पारियां 15 विकेट, 36.2 का एवरेज गेंदबाजी में. और इसके बाद होनहार ऑलराउंडर आदित्य सरोटे, 6 मुकाबलों की 7 पारियां 330 रन, 89 का औसत. गेंदबाजी में 29 विकेट 16.79 के औसत से 2 बार 5 से अधिक विकेट हासिल करने का गौरव. 330 रन बनाए पूरे सत्र में और 29 विकेट हासिल किए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के तौर पर. इसके बाद वो खिलाड़ी को हम बुला रहे हैं जिसने तहलका किया नॉकआउट में, रजनीश गुरबानी. सारे लोगों की तालियां होनी चाहिए. 6 मुकाबलों की 12 पारियों में 39 विकेट, 5 बार 5 से अधिक विकेट झटकने का कारनामा, 1 बार 10 विकेट हासिल किए एक मुकाबले में. मैन ऑफ द मैच क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में रहे
यह ऐसा गेंदबाज है जिसने खिताबी मुकाबले में हैट्रिक हासिल की है। तमिलनाडु के कल्याण सुंदरमन जो थे उन्होंने 1972-73 में पहली बार यह कारनामा किया था। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने नॉकआउट मुकाबलों में 27 विकेट हासिल किए। इसके पहले का कारनामा 24 का था। जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। अक्षय वाडकर, आपकी हौसला अफजाई में कोई कंजूसी ना हो तो मजा आ जाएगा। 5 मुकाबले, 6 पारियां, 308 रन, 133 सर्वाधिक 61.6 के औसत से, और एक मर्तबा इन्होंने शतक जड़ा, 133 रन बनाए। सुदेश नेरल, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बराबरी का शानदार प्रदर्शन, 5 पारियां, 5 मुकाबलों की 86 रन, 28.66 का अवसर, सर्वाधिक 74 गेंदबाजी में 9 विकेट हासिल किए। फ्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।